please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. अंतरिक्ष में एक सैटेलाइट से एक मशीनी हाथ निकला और दूसरी सैटेलाइट की मरम्मत करने लगा। नासा ने जानकारी दी है कि वो अंतरिक्ष में मरम्मत करने वाली एक मैकेनिक सैटेलाइट बना रही है जिसे 3 साल बाद लॉन्च किया जाएगा। और जब 2020 में नासा की सैटेलाइट अंतरिक्ष में पहुंचेगी तो इसकी रोबोटिक बांह से बेकार हो चुकी सैटेलाइट की आसानी से मरम्मत की जा सकेगी। नासा ने जानकारी दी है कि वो अंतरिक्ष में मरम्मत के लिए रोबोटिक सैटेलाइट बना रही। अंतरिक्ष के बाद ये सैटेलाइट बेकार हो चुकी सैटेलाइट को अपने साथ जोड़ लेगी, फिर इसकी रोबोटिक बांह बेकार सैटेलाइट के खराब पुर्जों को अपने औजार से ठीक कर देगी। काम पूरा हो जाने के बाद मैकेनिक सैटेलाइट उससे अलग हो जाएगी। और नासा इस सैटेलाइट को इसलिए लॉन्च करने जा रही है क्योंकि अंतरिक्ष में बेकार सैटेलाइट की संख्या बढ़ती जा रही है। बेकार सैटेलाइट अंतरिक्ष में कचरे की तरह घूमती रहती हैं और अपने आसपास की बाकी सैटेलाइट्स के लिए खतरा बन जाती हैं। क्योंकि फिलहाल करीब 4,300 सैटेलाइट अंतरिक्ष में पृथ्वी के चारों तरफ घूम रही हैं। इनमें कुछ सैटेलाइट मामूली खराबी के कारण बेकार हो चुकी हैं। इसीलिए नासा अंतरिक्ष में ही उनकी मरम्मत करने वाली सैटेलाइट बना रही है। जब ये अंतरिक्ष में मरम्मत कर रही होंगी तो इन्हें नासा के कंट्रोल रूम से चलाया जाएगा। इनके जरिए खराब सैटेलाइट की तस्वीरें सीधे कंट्रोल रूम में दिखेंगी। पिछले साल नासा ने इन सैटेलाइट में लगाई जाने वाली रोबोटिक बांह का भी प्रदर्शन किया था जिनका परीक्षण भी हो चुका है। परीक्षण में रोबोटिक बांह खराब सैटेलाइट के कलपुर्जों को दुरुस्त करने में बेहतरीन साबित हो चुकी है। मनोज शर्मा की इस वक्त ये बड़ी खबर आ रही है छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले की। एक गौशाला में 200 गायों के मरने के आरोप में बीजेपी नेता हरीश शर्मा को गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोप है कि बीजेपी नेता की गौशाला में गायों को चारा नहीं दिया जाता था जिससे 200 से ज्यादा गाय मर चुकी हैं। मरी गायों को ट्रैक्टर से ढोया जा रहा था। ₹500 और ₹2000 के बाद रिजर्व बैंक ₹50 का नया नोट जारी करने जा रहा है। जानकारी के मुताबिक आरबीआई जल्द 50 का नया नोट जारी करेगा। इस नोट में महात्मा गांधी की फोटो होगी। इसके साथ आरबीआई ने यह भी साफ किया है कि ₹50 के पुराने नोट चलते रहेंगे। आरबीआई की तरफ से जारी तस्वीरों के मुताबिक ₹50 का नया नोट फिरोजी रंग का होगा। इस नोट का डिजाइन 500 और 2000 के नए नोट की तरह है। सोशल मीडिया में ₹50 के नए नोट की तस्वीर वायरल हो रही है। आज की ताजा खबर में इतना ही। यूपी के स्वास्थ्य कैमरे में कैद सरकारी डॉक्टर्स की जांच कराने की बात कही। कमेटी बना करके उसकी जांच करा करके देखेंगे। ऑपरेशन मृत्युदाता में डॉक्टरों के दावों को केजीएमयू के प्रवक्ता ने नीचे बताते हुए कहा कि कॉलेज प्रशासन किसी भी जांच के लिए तैयार है। यूपी के स्वास्थ्य विभाग के अफसरों ने खुफिया कैमरे पर बताया दवाओं से लेकर मशीनों तक एम्बुलेंस से लेकर सीएमओ की पोस्टिंग तक चलता है रिश्वत और कमीशनखोरी का खेल। स्टिंग ऑपरेशन में लखनऊ के किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर ने ट्रॉमा सेंटर में 15 जुलाई को लगी आग को बताया साजिश। गृहमंत्री राजनाथ सिंह का दावा 2022 में न्यू इंडिया की शुरुआत से पहले कश्मीर सहित कई समस्याओं को खत्म कर दिया जाएगा। समस्याओं का समाधान 2022 के पहले होकर रहेगा। बिहार में बाढ़ के कहर से मरने वालों की संख्या 153 तक पहुंची। सीएम योगी ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा करने के बाद लोगों से लापरवाही की सूचना सरकार को देने की अपील की। नेपाल से आने वाली नदियों के कारण आने वाला पानी है। असम में बाढ़ की वजह से जान गंवाने वालों की संख्या 144 तक पहुंची। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी गोरखपुर में आज ऑक्सीजन की कमी से मारे गए बच्चों के परिवार से मिलेंगे। छत्तीसगढ़ में गाय मरने के मामले में गौशाला मालिक और बीजेपी नेता हरीश वर्मा को गिरफ्तार किया गया। पटना में आज जेडीयू कार्यकारिणी की बैठक में शरद यादव पर फैसला हो सकता है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ आज गोरखपुर दौरे के दौरान स्वच्छ उत्तर प्रदेश अभियान की शुरुआत करेंगे।
फिनलैंड में 8 लोगों पर चाकू से हमला कर 2 लोगों की हत्या करने वाले आदमी को गोली मारकर गिरफ्तार किया गया। अलगाववादी नेता अमीर वाइस उमर फारूक की धमकी, अगर भारत एक आतंकी मारेगा तो 10 आतंकी पैदा होंगे। क्या ये हकीकत नहीं कि एक जवान को मारते हैं यहां से 10 जवान खड़े हो जाते हैं। स्वाइन फ्लू की वजह से महाराष्ट्र में अब तक 418 लोगों की मौत, गुजरात में 228 नए मामले आए सामने। मॉस्को में बिना ड्राइवर के इलेक्ट्रिक बस को सड़क पर उतारा गया। गुरुग्राम में 10 किलोमीटर तक पीछा कर युवती के अपहरण की कोशिश। दिल्ली में पुलिस किस्सा, सैकड़ों महिलाओं ने फियरलेस मिडनाइट वुमेन रन में लिया हिस्सा।